दोस्तों आज हम दो गाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं। ये दोनों ही कार एक दूसरे की राइवल मानी जाती हैं। प्राइस में, फीचर में, स्पेसिफिकेशन में ऑलमोस्ट दोनों कार जो है सेम टू सेम ही चीजें ऑफर करती हैं। जिसमें से एक है टाटा सफारी 2023 जो कि अभी अभी इसका नया वेरिएंट एक लॉन्च हुआ है इंडियन मार्केट के अंदर, और दूसरी तरफ है XUV 700। ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कार रही है इंडिया के अंदर और आज भी इसकी जो वेटिंग है वो एक साल से ऊपर की मानी जाती है। तो आज हम दोनों कार का डिटेल कंपैरिजन करेंगे, देखते हैं दोनों कार क्या क्या चीजें ऑफर करती हैं अपने लेटेस्ट वेरिएंट के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोनों की डायमेंशन से। पहले बात करते हैं XUV की। तो इसकी लेंथ है 4695 mm, विड्थ 1890 mm और हाइट है 1755 mm। उसका व्हील बेस है वो है 2750 mm का। और दूसरी बात करें सफारी की तो इसकी लेंथ है 4661 mm, विड्थ 1894 mm और हाइट है 1786 mm। जो इसका व्हील बेस है वो 2741 mm का। तो अगर आप दोनों कार के साइज को कंपेयर करें तो आप देखोगे यहाँ पर कोई भी मेजर डिफरेंस दोनों कार के साइज में नहीं है। दोनों कार जो है सेम टू सेम साइज के साथ ही आती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की कि दोनों कार जो है कौन कौन से इंजन ऑफर करती हैं अपने अपने लेटेस्ट वेरिएंट के अंदर। तो मैं आपको बता दूं दोनों ही वेरिएंट के अंदर जो पहले इंजन आपको मिलते थे वही इंजन देखने को मिलेंगे। इंजन में कोई भी नया चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें XUV की तो उसके अंदर पेट्रोल इंजन आता है जो कि 200 PS और 380 Nm का टॉर्क निकालता है। इसके अंदर आपको डीजल का ऑप्शन भी मिल जाएगा, लेकिन डीजल में इसके अंदर आपको दो इंजन देखने को मिल जाएंगे जो कि एक है 182 PS और 420 Nm के टॉर्क वाला और दूसरा है 153 PS और 360 Nm के टॉर्क वाला इंजन। यानी XUV के अंदर आपको टोटल तीन इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करें हम सफारी की तो इसके अंदर आपको एक ही इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि 170 PS और 350 Nm का टॉर्क वाला एक डीजल इंजन। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन इंजन है, सफारी, हैरियर, MG हेक्टर ज़्यादातर गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर हम दोनों कार के माइलेज की बात करें तो XUV पेट्रोल के अंदर आपको माइलेज देगी 8 से 13 के बीच का और वहीं डीजल के अंदर देगी आपको 10 से 16 के बीच का। और सफारी की बात करें तो इसका माइलेज है 10 से 16 के बीच। तो अगर आप दोनों कार के इंजन को कंपेयर करते हो आप देखोगे यहाँ पर XUV में आपको ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे पेट्रोल में भी और डीजल में भी, लेकिन सफारी के अंदर आपको सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं एक्सटीरियर की। एक्सटीरियर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं दोनों ही कार में। तो मैं आपको बता दूं एक्सटीरियर में कोई भी मेजर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम फीचर्स की बात करें तो दोनों कार में आपको LED DRL मिल जाएंगे, सनरूफ मिल जाएगा, अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, रेन सेंसिंग वाइपर, शार्क फिन एंटेना, रियर वाइपर एंड वॉशर। तो बेसिक चीज़ें आपको दोनों कार में देखने को मिल जाएगी, लेकिन XUV के अंदर आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाएंगी, वहीं सफारी के अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलती है और XUV के अंदर आपको LED फॉग लैम्प्स भी देखने को मिल जाएंगी, लेकिन सफारी के अंदर आपको सिर्फ हैलोजन फॉग लैम्प्स ही देखने को मिलेंगी। तो अगर आप दोनों कार के एक्सटीरियर को कंपेयर करो तो आप देखोगे दोनों कार जो अलग अलग फीचर और अलग अलग डिज़ाइन के साथ आती हैं, लेकिन आपकी चॉइस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी कार ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इंटीरियर की कि इंटीरियर में क्या चेंज आया है दोनों ही कार के अंदर। पहले हम बात करते हैं सेम फीचर्स की। तो दोनों कारों को लेदर सीट्स मिल जाएंगी, लेदर अप स्टेयरिंग के साथ ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर सीट्स, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल और एम्बिएंट लाइट। तो ये सारी चीज़ें दोनों कार जो है सेम टू सेम ही ऑफर करती है। कुछ अलग चीज़ों की बात करें तो पहले बात करते हैं XUV की। तो उसके अंदर डिजिटल क्लस्टर मिल जाएगा आपको 10 इंच का, 10 इंच की टच स्क्रीन, 12 स्पीकर, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। तो ये सारी चीज़ें आपको XUV के अंदर देखने को मिल जाएंगी। लेकिन सफारी की बात करें तो सफारी के अंदर आपको एक डिजिटल क्लस्टर मिल जाएगा जो कि पहले सेमी डिजिटल था। इसके अंदर आपको एक 10 इंच की टच स्क्रीन मिल जाएगी, 9 स्पीकर मिल जाएंगे, वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएंगी फ्रंट में और सेकंड रो के अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट ऑप्शन में मिल जाएंगी। साथ ही साथ इसमें आपको एयर प्यूरीफायर भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप दोनों कार के इंटीरियर को कंपेयर करें तो आप देखो यहाँ पर दोनों कार के जो इंटीरियर वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम माने जाते हैं, चाहे सीटिंग कैपेसिटी के मामले में, चाहे कंफर्ट के मामले में, हर तरीके से जो है दोनों कार जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं देखने में। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सेफ्टी की। दोनों कार जो सेफ्टी में कितनी अच्छी मानी जाती हैं और क्या क्या चीज़ें ऑफर करती हैं। पहले बात करते हैं सेम फीचर्स की। तो दोनों कारों को 360 कैमरा मिल जाएगा, टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम, 4 डिस्क ब्रेक, ड्राइवर ड्राउजीनेस सिस्टम, ESP। तो ये सारी चीज़ें आपको दोनों कार के अंदर एग्जैक्ट सेम टू सेम ही देखने को मिल जाएगी। कुछ अलग चीज़ों की बात करें तो XUV के अंदर आपको 7 एयरबैग मिल जाएंगे, इसके अंदर आपको एडास और रेडार भी मिल जाएगा, इसके अंदर आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिल जाएगा और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर देखने को मिल जाएगा। वहीं हम सफारी की बात करें तो सफारी के अंदर आपको 6 एयरबैग मिल जाएंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, आफ्टर इंपैक्ट ब्रेकिंग। और सफारी के अंदर अब की बार आपको एडास लेवल 2 देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर आपको 10 सेफ्टी जो है फीचर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जैसे कि फ्रंट कोलिजन वार्निंग, रियर कोलिजन वार्निंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, ट्रैफिक सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन, डोर ओपन अलर्ट, लेन असिस्ट, लेन चेंज अलर्ट, हाई बीम असिस्ट और ऑटो ब्रेकिंग। तो ये सारे फीचर जो है आपको एडास के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे 10 फीचर आपको XUV में पहले से ही मिलते थे, लेकिन नई वाली सफारी में ये नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो अगर आप दोनों कार को प्रैक्टिकल सेफ्टी में कंपेयर करें तो आप देखोगे दोनों कार जो है काफ़ी अच्छी सेफ्टी में माने जाती हैं। XUV एक 5-स्टार कार है, लेकिन
सफारी का अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद आप कह सकते हैं कि सफारी एक सेफ कार है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं प्राइस सेगमेंट की कि दोनों कार के प्राइस में कितना डिफरेंस है। पहले बात करते हैं एक्सयूवी की, तो उसका स्टार्टिंग प्राइस है करीबन 13.5 लाख और जाता करीबन 25.5 लाख तक। वहीं सफारी का स्टार्टिंग प्राइस है 15,70,000 और जाता करीबन 25 लाख तक। तो दोनों कार के प्राइस में कोई मेजर डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप दोनों कार को रियल लाइफ में कंपेयर करें तो आप देखोगे यहाँ पर दोनों कार जो सेम ही फीचर्स के साथ आती हैं, लुक्स में, प्राइस में, फीचर में, स्पेसिफिकेशन में दोनों कार जो सेम टू सेम ही आप कह सकते हैं। लेकिन एक्सयूवी के अंदर आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, वहीं सफारी के अंदर आपको ना तो 4x4 ना ही ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन आपको मिलता है। तो अगर आप दोनों कार में कंफ्यूज हैं कि कौन सी कार ज़्यादा बेटर है, तो दोस्तों दोनों ही कार काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, एक्सयूवी भी और सफारी। लेकिन एक्सयूवी के पास थोड़े से प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर पेट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके अंदर डीजल का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके अंदर आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिल जाएगा, साथ ही साथ इसके अंदर एडास पहले से ही आता था लेकिन सफारी ने नए इंट्रोड्यूस किए हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपकी चॉइस पर ही डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी कार ज़्यादा अच्छी लगती है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कौन सी कार ज़्यादा अच्छी लगी। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। जाते जाते लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।